समुंदर की दुनिया में शार्क को सबसे खतरनाक मछली माना जाता है। शार्क एक ऐसी प्राणी है जिससे समुंदर की अन्य सभी मछलियां भी दूर रहना ही पसंद करती हैं। शार्क इंसानों पर हमला कर सकती है, लेकिन एक मछली ऐसी भी है जो इंसानों के लिए शार्क से भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। वो मछली असल में निडलफिश है। इस मछली का ये नाम इसकी नैरो बीक के कारण पड़ा है, जो बेहद ही पैनी और नुकीली होती है। अपनी चोंच से निडलफिश किसी भी अन्य मछली को घायल कर सकती है, यहाँ तक कि इंसानों पर भी ये अटैक कर देती हैं। निडलफिश बेलोनिडाए परिवार से ताल्लुक रखती हैं। ये मछली समुंदर से बाहर छलांग लगाती हैं और इस छलांग के दौरान इनकी स्पीड 37 मील प्रति घंटा यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। ये स्पीड एक छोटी कार की एवरेज स्पीड के बराबर है। इतनी तेज रफ्तार में ये पानी के बाहर छलांग लगाती हुई नजर आती हैं। मछुआरों को या फिर समुंदर में घूमने आए लोगों को इस मछली से काफी खतरा रहता है। रात के समय ये मछली ज्यादा सक्रिय रहती है। मछुआरों की नाव को निडलफिश छलांग मारकर पार करती हैं। ऐसे में कई बार मछुआरों को अपनी जान बचाने के लिए नीचे छिपना पड़ता है, क्योंकि यदि कोई इंसान निडलफिश के निशाने पर आ जाए तो बात उसकी जिंदगी पर आ जाती है। पहले ऐसा माना जाता था कि निडल फिश सिर्फ पैसिफिक ओशन में ही पाई जाती हैं, लेकिन साल 2010 में फ्लोरिडा के कायाकर की चेस्ट में निडलफिश घुस गई थी और उसकी मौत हो गई थी। मई 2013 में रेड सी में एक शख्स के घुटने में निडलफिश घुस गई थी, जिससे उसे काफी गंभीर चोट आई थी। अक्टूबर 2013 में सऊदी अरब की एक न्यूज वेबसाइट ने पुष्टि की थी कि एक शख्स की गर्दन पर निडलफिश ने वार किया और उसकी मौत हो गई। वहीं साल 2014 में वियतनाम में एक पर्यटक की भी मौत इसी प्रकार हुई थी। निडलफिश के इंसानों पर अटैक करने के और भी कई किस्से मौजूद हैं। इनका स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला होता है। जिन जगहों पर निडलफिश पाई जाती हैं, वहां पर इंसानों को न जाने की सलाह दी जाती है। निडलफिश की तरह ही एशियन क्रैब प्रजाति की मछलियां भी इंसानों पर अटैक करने के लिए जानी जाती हैं। ये न सिर्फ इंसानों पर अटैक करती हैं, बल्कि पानी में मौजूद नावों को भी भारी नुकसान पहुंचाती हैं। एशियन कार्प मछली की लंबाई 2 फीट तक हो सकती है और ये अमेरिका के आसपास ही अधिक पाई जाती हैं। इनका धक्का काफी पावरफुल होता है। इंसान पूरी तरह से लड़खड़ा जाता है और कई बार तो ये इंसान को पानी में भी गिरा देती हैं। एशियन कार्प से निपटने के लिए अमेरिका की सरकार अलग अलग तरह के पैंतरे अपना रही हैं। वहां पर ऐसी नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है जो करंट छोड़ सकती हैं। जब भी आसपास एशियन कार्प नजर आती हैं, मछुआरे नाव से बिजली छोड़ देते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे मछली की मौत नहीं होती, वो सिर्फ अचेत हो जाती है। एशियन कार्प की प्रजनन क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है और इनका इस्तेमाल खाने में भी किया जाता है। एशियन कार्प को लोग मछली पालन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपको एक और खतरनाक मछली के बारे में बताते हैं। साल 2010 में जर्मी वेड नाम के शख्स ने गोलियाथ टाइगर फिश को पकड़ा था। उस समय ये एक बहुत बड़ी खबर मानी गई थी, क्योंकि गोलियाथ टाइगर फिश को पकड़ना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। कॉन्गो नदी में ये मछली पाई गई थी। गोलियाथ टाइगर फिश आमतौर पर अफ्रीका की नदियों और साफ पानी की झीलों में ही पाई जाती हैं। ये साफ पानी की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है। इसे पिराना मछली का एक बड़ा वर्जन भी लोग कहते हैं। गोलियाथ टाइगर फिश का वजन 110 पाउंड तक होता है और इसकी लंबाई 5 फीट तक हो सकती है। इतनी भारी और बड़ी मछली को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये मछली कितनी खतरनाक होती है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये कई बार मगरमच्छ पर भी अटैक कर देती हैं। मगरमच्छ भी इस मछली के आगे हार मान जाता है। गोलियाथ टाइगर फिश के पास 30 से 32 दांत होते हैं और दांतों की लंबाई 1 इंच तक होती है। इनकी काटने की क्षमता बेमिसाल होती है। केवल एक ही बाइट में ये अपने शिकार को घायल कर देते हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि यदि कोई इंसान गोलियाथ टाइगर फिश के हाथ लग गया तो उसका क्या हश्र होगा। इनका रिस्पॉन्स करने का टाइम भी बहुत तेज होता है, साथ ही सूंघने की क्षमता भी काफ़ी अधिक होती है। गोलियाथ टाइगर फिश शांत पानी में रहना पसंद नहीं करती। तेज बहाव में इन्हें शिकार करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया है जिसमें गोलियाथ टाइगर फिश ने किसी इंसान की जान ले ली हो, लेकिन माना जाता है कि ये इंसान की जान आराम से ले सकती हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। यदि किसी मछुआरे की जाल में ये फंस जाएँ तो वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती हैं। एक और अन्य मछली के बारे में आपको बताते हैं। उसका नाम है एलिगेटर गारफिश।
हालांकि ये मछली भी इंसानों के लिए घातक नहीं मानी जाती है। इस मछली का मुंह देखने में एलिगेटर जैसा लगता है, इसलिए इसे एलिगेटर गारफिश कहा जाता है। गारफिश की कुल 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि पहले के समय में एलिगेटर गारफिश का वजन 350 पाउंड तक हो जाता था, लेकिन अब इनके वजन में थोड़ी कमी आ गई है, लेकिन इनकी लंबाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। एलिगेटर गारफिश 10 फीट तक लंबे होते हैं। भले ही ये इंसानों पर अटैक ना करें, लेकिन फिर भी इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। एलिगेटर गारफिश के अंडे बेहद जहरीले होते हैं। ये प्रकृति का एक खास वरदान है, जिससे अन्य मछलियां या प्राणी एलिगेटर गारफिश के अंडों को ना खाएं। एलिगेटर गारफिश का कवच भी काफी स्ट्रांग होता है। इसे खाने के लिए इंसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और बॉडी के स्केल्स को हटाना पड़ता है। दोस्तों, धीरे धीरे एलिगेटर गारफिश की संख्या में कमी आ रही है। इस फिश के अनोखे लुक्स के कारण फिश एंड एक्वेरियम मार्केट में इसकी काफी डिमांड है और लोग इसकी तस्करी के नए नए रास्ते भी खोज रहे हैं। कुछ मछलियों के पास इतने धारदार दांत होते हैं कि उनके मुंह में एक बार शिकारी फंस जाए तो उनका बचना नामुमकिन ही माना जाता है, लेकिन कुछ मछलियों के दांत काफी कमजोर भी होते हैं। नॉर्दर्न पाइक एक ऐसी मछली है जो गर्मियों के मौसम में अपने दांत गिरा देती है और इनके दांत दोबारा आ जाते हैं। शार्क की भी कुछ प्रजातियां ऐसा ही करती हैं। उनके दांत रोजाना गिरते हैं और काफी तेजी से नए दांत भी उगाते हैं। लेकिन पैसिफिक लिंकॉन की बात सबसे अलग है। इसके मुंह में 500 से भी अधिक दांत होते हैं और इसके ये दांत मुंह से लेकर इनके फूड पाइप से होते हुए पेट तक जाते हैं। इससे जब भी ये मछली कुछ खाती है तो आसानी से सारा खाना क्रश होता जाता है और पेट में श्रेड होकर भोजन पूरा पहुंचता है। पैसिफिक लिंकॉन काफी एग्रेसिव भी मानी जाती है। रोजाना करीब 20 दांत इनके गिर जाते हैं और फिर से नए दांत इनके उग भी आते हैं। भले ही जबड़े में दांत आने की जगह ना हो, लेकिन फिर भी दांतों का आना जारी रहता है। फ्रॉग फिश की खास ताकत के बारे में आपको जानकर काफी हैरानी होगी। सबसे पहले तो ये आपको पानी के भीतर नजर ही नहीं आएंगी। इनके शरीर पर काफी सारे बाल होते हैं, जिन्हें स्प्यूनल कहा जाता है। इसकी मदद से फ्रॉग फिश आसानी से पेड़ पौधों के बीच में छिप सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फ्रॉग फिश तैर नहीं सकती। इन्हें खास तरह की बनावट तो प्रकृति ने दे दी है, लेकिन तैरने लायक नहीं बनाया है। ये मछली जंप लगाकर या फिर वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर। फ्रॉग फिश के पास रंग बदलने की एबिलिटी भी होती है। खुद को छिपाने के लिए अक्सर पानी के भीतर ये अपना रंग बदलती रहती हैं। फ्रॉग फिश बहुत अच्छी हंटर भी मानी जाती हैं। जैसे ही कोई शिकार इनके आसपास मंडराता है, उस पर ये तुरंत अटैक कर देती हैं। ये मछली अटैक करने में केवल 6 मिलीसेकंड्स का समय लेती हैं, वहीं इंसानों को रिस्पॉन्स करने में 200 मिलीसेकंड्स का समय लगता है। फिश फ्रॉग के ऊपर एक डॉर्सल फिन होता है जो हिलता रहता है। इससे ये मछली अन्य मछलियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और पास आने के बाद उनका शिकार कर लेती हैं। कई अन्य मछलियां भी पानी में पाई जाती हैं, जिनका शिकार करने का तरीका सबसे अलग होता है। स्टारगेजर फिश भी इन्हीं में से एक है। ये दिखने में काफी अगली होती है, लेकिन बेहतरीन शिकारी मानी जाती है। ये मछली अपने शिकार पर करंट छोड़ती है। पहले ये खुद को मिट्टी में दबा लेती है और केवल इसका सिर और आंख ही मिट्टी के बाहर नजर आते हैं। जब भी कोई मछली पास से गुजर रही होती है, उस पर अपनी आंखों से करंट छोड़ती है। इसका करंट ज्यादा पावरफुल नहीं होता। ईल का करंट 600 वाट का होता है, लेकिन स्टारगेजर का करंट केवल 50 वाट तक का होता है। इतने करंट से किसी मछली की मौत तो नहीं होती, लेकिन वो मूर्छित तो जरूर हो जाती है और उसके बाद ये उसे अपना भोजन बना लेती है। येलो बॉक्स फिश दिखने में क्यूब जैसी होती है। ये आमतौर पर कोरल रीफ के आसपास रहती है और दिखने में काफी क्यूट और अट्रैक्टिव होती है, लेकिन इन्हें खाना किसी भी मछली या इंसान के लिए भारी पड़ सकता है। असल में येलो बॉक्स फिश काफी जहरीली होती है। अपनी बॉडी से ये लगातार जहर उगलती रहती है, इसलिए इन्हें एक्वेरियम में भी रखा जाता है। साथ ही इनका शेल भी काफी स्ट्रांग होता है और इसीलिए इन्हें बाइट करना तो काफी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मछलियों की अनोखी प्रजातियों के बारे में जानकर आपको काफी मजा आया होगा। इनमें से आपको सबसे अनोखी मछली कौन सी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।